करनी तो हो जाएगी अभी हाथ तो हाथ तुरंत खत्म। अगर कुछ नहीं वो करनी जट से खत्म तो भाई 3 दिन इस्तेमाल करना हमारे इस तेल को भाई। Indian garment industry is closely connected to the fashion industry and grows hand in hand. So the employment opportunities are also increasing to a larger extent. In the past few decades, India has emerged as a major garment exporter and has been progressively integrated to a global garment supply chain. But this success may be owed to India's unique industrial trajectory based on regionally specialized production. कोई सुविधा नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, कैसे क्या होगा, बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या खवाएंगे, क्या खिलाएंगे, इसीलिए परदेश आए। परदेश में भी गांव से बढ़ के बेबत्तर हो गया। यहाँ किराया मकान का दो, बिजली का दो, पानी का दो, बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं कहाँ से, लिखाएं पढ़ाएं बताओ, किराया लगा के इतनी दूर से यहाँ आते भूखे प्यासे, यहाँ भी दिहाड़ी नहीं मिलती है, रो रो के चले जाते हैं। सर क्या करें, रो रहे हैं कि कैसे बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे, कहाँ लगें, क्या करें, क्या ना करें। कभी कभी नहीं मिलता भैया, अरे रोज नहीं काम, रोज ना मिलता भी ना, कभी 12 दिन पर काम मिल जाता है, रोज नहीं मिलता है काम, 5 दिन से तो अभी 400 दिहाड़ी, किसमें 200 देता है, ठेकेदार सब खा जाते हैं, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कराता है, एक दिन का 200। हाँ एक दिन का 200। Garment production for exports in India are mostly based out of a number of production hubs scattered all across the country. Each cluster specializing in particular product and having a distinctive social composition of labor. Garment clusters including Delhi, Noida and Gurgaon, together called National Capital Region or NCR for short, Ludhiana and Kanpur in northern India, Kolkata in eastern India, Mumbai and Gujarat in western India, Bangalore, Chennai and Tirupur in southern India. Textile sector in India contributes around 14% to industrial production, 4% to gross domestic product GDP and 27% to the foreign exchange inflows. It also provides direct employment to over 45 million people, second only to agriculture as an employer. उनको 350 रुपए क्यों नहीं मिलता है? हाँ? काम लेगा जब कंपनी में काम करने जाते हैं तो कंपनी से 8,500-9,000 रुपए सैलरी मिलते हैं, हमको 7,000 रुपए क्यों देता है ठेकेदार? 500 खा लेगा, उसको 8,000 रुपए दे हमको, 6,000 रुपए में क्या करेंगे? 6,000 भी देता है तो हिसाब के टाइम में काट पीट के पूरा महीना ड्यूटी करेंगे तो 9,000 रुपए कमाएंगे, 9,000 रुपए में हम कमरा किराए, 4,000 रुपए कमरा किराए भरेंगे, 4-4 बच्चे क्या जैसे पालेंगे हम? हैं? इतनी पब्लिक रोड में घूम रही है काम के लिए तो कहाँ जाएगी? हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, 6 महीना हो गया रोड में घूमते घूमते, और वहाँ भी लेडीज की कोई इज्जत नहीं, मैंने जो मन कर रहा है वो बोल देते हैं, जो मन कर रहा है बोल देते हैं, जो भी करता है वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे कि इन्होंने मैं खरीद रखा है, खरीद रखा काम भी जबरदस्ती ले, ऐसे बोलते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं काम। हाँ सारा ये ठेकेदारों का गलती है, ठेकेदारों में सुधार नहीं होगा है जब तक ठेकेदार ही नहीं हटेगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा ही नहीं। दिल्ली रीजन इंक्लूडिंग NCR इन UP, हरियाणा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब इन द वर्ल्ड। It is the second largest hub for global garment production. It has pulled in thousands of migrant workers from all over India to various manufacturing and service sectors. Manufacturing workers in the garment industry are mainly migrant laborers from Bihar, UP and West Bengal. The share of the female to the workers is very less than the male population. Irrespective of gender, there are workers from rural and urban slums. Among them, the Dalits and the minorities are relatively higher than the national level. देखो लेडीज को मिलता है 500 रुपया कंपनी से, ठेकेदार खाते हैं लेडीज को देते हैं 200 रुपया, ठीक है, गरीब आदमी क्या खाएगा क्या बचाएगा, ये पागल कुत्ते की तरह रोड पे घूमते हैं काम करने के लिए। Hey,
हम सब चीज देंगे अपनी, कुछ नहीं दे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो वोट नहीं दिए इस बार, हम तो न मोदी को न किसी को दिए। कंपनी के अंदर मैं 201 में काम की थी, हाँ, मेरे एक आंटी बोला समोसा लाने जाने के लिए, मैं सुबह में भूख रहा था तो मैं समोसा लाने चली गई, एक जेंट्स चला गया पीछे से, मैं समोसा लेके आया तो मैंने चुन्नी पकड़ लिया, हाँ मैं चुन्नी पकड़ कंपनी के अंदर और चुन्नी पकड़ लिया और उसके पैर पर सिल गया, उससे चुन्नी पकड़ा गया और कंपनी वाला जाकर ऑर्डर कर दिया मैनेजर को, मैनेजर हम लोग घर से निकाल दुकान से कंपनी से निकाल दिया है। अब मैं बोला मेरा गलती क्या है, गलती अगला आदमी की, मेरा क्या गलती, मेरा कंपनी से निकाल दिया गया है, अब कंपनी से निकाल दी, मैं भटक रही हूँ अभी। अच्छा आपने चुन्नी खींचा और आपने कंप्लेन किया, हाँ उसके बाद आप ही को निकाल दिया, हाँ तो ऐसा होता ही है, ऐसा ही होता है कंपनी के अंदर। बोल ठेकेदारी करता है और कौन करेगा, यहाँ से बोल झूठ बोल के ले जाते हैं। पिछले साल यही समल का लाल बत्ती पे, समल का वाली लाल बत्ती पे झूठ बोल के ले गए, बोल दिया कि चलो दिहाड़ी पे चल रहे हैं और लेडीज गई एक टेम्पो बेच दिया और चार पांच लेडीज को मार दिया जान से। ऐसा कोई करना चाहिए लेडीज के साथ में? आदमी सोचा कि हमारे बीबी काम पे गई, औरत का तो लाश मिलेगा वहाँ पे पड़ा हुआ, समल का वाली बत्ती पे कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। यही धागा कटिंग है, ये सब चीज करते हैं और क्या करते हैं। हाँ तीन और नहीं, दो टेम्पो गए थे भर के, दो टेम्पो, एक टेम्पो बेच दिया और आधी लेडीज को मार दिया, आधी बच गई। वो तो सही है क्योंकि किसी ने हल्ला कर दिया तो भाग गई लेडीज से, एक टेम्पो तो गोली हो गया, छक्का को बेच दिया, क्या करे लेडीज को, अपनी इज्जत तो गई, क्या करेगा इंसान। हम खुला बोलते हैं, डरते नहीं है हम। कंपनियां 320 रुपये देती है, 300 रुपये देती है, 180 रुपये देती है, अरे सब जगह अलग अलग रेट है, 80-28 ग्रेड है ना सरकार का, वो ग्रेड है कि डेली बेस है तो कम से कम 300 कुछ रुपये पेस पड़ते हैं, 324 रुपया पड़ता है, ये रेट है। और वो आप नहीं दे रहे हो, आप काम करवा रहे हो, हम काम कर रहे तब कंपनी देगी, तब तो कंपनी 280 रुपये मांग रही है। मैंने कुछ बोलना चाहता, अपना आराम करो, अपने ढंग रखो, वही खाती है तो बोलेगी कहाँ से, वही तो ठेकेदार नहीं है, 400 मिलता है तो 250 रुपये देती है, 250 में 12 घंटा का ड्यूटी लेती है। आप उन्हीं के नीचे काम करते हैं? हाँ दो चार बार गए थे, मैं नहीं जाती उसके पास, अभी किसी और का इंतजार कर रहे क्या? हाँ इंतजार कर, मेरा गांव जाना है, अब काम छोड़ के हमारा यहाँ रहना नहीं है। वो 5,000 रुपया मिलता है, 2,500 रुपये करा के चले जाता, भूखे भी मरता है और गाड़ी भी सुनता है, 12 घंटा काम करता है भैया, बहुत गरीब आदमी क्या करे, वो क्या ना करे, पेट भारी आ रहा भैया, गरीब आदमी का पेट ना भरा हुआ तो क्या करे वो भैया, आदमी होता जब भी हुआ हमारा था, आदमी मरे हुआ फिर भी ढक्का खाते थे, फिर भी पेट की पूर्ति ना बहुत भैया, हाँ सही बात है भाई, बहुत परेशान करता हूँ ये हाथ काम, खून पीते हैं 12 घंटा तो लगा, 12 घंटा में फिर भैया फिर झाड़ी भी देते हमें, किरकिराते हैं भैया। मेरे घर में भैया 3 बच्चे हैं मेरे पास, हाँ मेरे पति नहीं है, नहीं, नहीं। में रहते हैं, 2 नंबर गली है, नाले के पास में रहती हूँ मैं, वहाँ पे सुबह के टाइम में मालिक एक टाइम पानी देता है, सुबह सुबह 3 बाल्टी या सुबह देता है 7-7:30 बजे के टाइम में, उसके बाद में कोई पानी नहीं, ऊपर से ताला लगा देता है, पानी नहीं मिलता है। अब काम धंधा करके जाएंगे पूरा दिन का 1-2 बाल्टी खर्चा हो जाता है, 3 बाल्टी खत्म हो जाती हैं नहाने में धोने में कपड़े लत्ते बर्तन झाड़ू पोछे में, तो 1 बाल्टी पानी भी नहीं रहता है, उसमें क्या होएगा, 7-8 हजार हो जाता है। हाँ क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, दो को लड़का है कैसे पर चलेगा बताइए, बाहर में हर चीज किन के खाना पड़ेगा, हाँ तो ना मैं 210 में ले जाती है, 220 में लेके जा रही है, इतना कैसे बाहर में चलेगा बताइए, पेट पर लात मार रही है ठेकेदारी लोग। These workers are constantly being exploited even in their ghettos. The house owner forced them to buy groceries from a particular shop where they were charged more than MRP and more gain in installment. Again, they were exploited by giving 12 rupees per unit of electricity instead of rupees 3. And landowners charge water bill for the borewell connection and several other rules to maintain the society clean. बताएं इसको गुजारा को, अब क्या कर सकते हैं हम, गुजारा कैसे चला सकता है, यहाँ पर देश है।
The contract labor regime is playing a crucial role in shaping up the new orientation in the capital labor dynamics in export-oriented garment sector. The outsourcing team easily neglect the basic requirements for the reproduction of the huge labor force. Short-term contract, no provision of getting social security, long working duration, less workplace democracy, physical violence and verbal abuse, and forced and sometimes unpaid overtime to meet the demand in the time with the minimum payments are worsening the exploitation of the workers. Given the current scenario of the garment industry in the Gurgaon region, any initiative to improve the working class condition, there is a need for urgent call for strict implementation of labor laws and international labor standards.